डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम लोगों ने सर्वे किए और सर्वे करके ये पाया गया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हमें और मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी की वजह से आज हमने ये फैसला लिया है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की हम बॉडी पेरेंट बॉडी डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 पोस्ट डिक्लेयर किए थे, अज्जू नाइकवाड़ी, अब्दुल रहीम नाइकवाड़ी जो हमारे ज़िला अध्यक्ष है, और हमारे अरुण बोर्डे साहब स्पेशल सेल है जो दलितों का और अलग अलग जात धर्मों के लोगों को मजलिस के साथ जोड़ने का वो काम करेंगे। मुंशी पटेल साहब जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर, उनको हमने ज़िले की यूथ का प्रेसिडेंट दिए है, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट बोल के मुंशी पटेल साहब को ये किए हैं। और बहुत जल्द हम लोग आने वाले कुछ समय के अंदर 8-10 दिनों के अंदर ही हम सिटी बॉडी डिक्लेयर करेंगे। मजलिस ये भी लोगों की मांग है कि हम लोग एक वुमेंस सेल भी बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं का भी एक सेल बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत जल्द ये फैसला लिया जाएगा। देश भर में जो मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं गोमांस को लेकर, या अलग अलग मुद्दों के ऊपर मुसलमानों को और दलितों को जो परेशान किया जा रहा है, उसका विरोध जताने के लिए हमने 22 तारीख के दिन औरंगाबाद में एक साइलेंट कैंडल मार्च का आयोजन किया है। शाम 6 बजे हम एक साइलेंट मोर्चा, एक भव्य मोर्चा हम आज़ाद चौक से निकालेंगे और शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए जिस शख्स ने इस देश को सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है और हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है संविधान के जरिए, बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के ऊपर हमारा ये मोर्चे का अंत होगा। और इस मोर्चे में पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे और इस मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस मोर्चे के अंदर शामिल होकर ये बताइएगा देश भर के उन लोगों को, चंद लोगों को जो इस देश को जात और धर्म के नाम के ऊपर तोड़ना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये मुल्क हमारा है। दूसरा ये है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जिन आतंकियों ने हमारे भाइयों का कत्ल किया है, फायरिंग की है, उसका निषेध करने के लिए कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्राइडे के दिन दोपहर में 3 बजे क्रांति चौक के ऊपर निदर्शन करेगी और ये बताएंगी कि तुम कितनी भी कोशिश कर ले ये मुल्क टूटने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ में मिलकर इस मुल्क के अंदर रहेंगे और इस मुल्क को ताकतवर बनाएंगे। नागपुर मध्ये एक मुस्लिम युवकाला भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी, देखिए आज देश भर में जो हो रहा है, आज मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, इसकी पैदावार कहाँ से हुई? अगर आप सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी पैदावार नागपुर से हुई, क्योंकि RSS का हेडक्वार्टर नागपुर में है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन किसी मुसलमान लड़के को सिर्फ गोश्त की बुनियाद के ऊपर, शक की बुनियाद के ऊपर इस तरह से बुरी तरह से पीटना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुख्यमंत्री साहब उसी नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहेंगे कि अगर इस राज्य के अंदर अमन और शांति बनाए रखना है तो जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यकीनन महाराष्ट्र के 24 तारीख से जो महाराष्ट्र का विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है, हमारे यही मुद्दे रहने वाले हैं कि आप मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, दलितों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप किसानों को जो लोन माफ़ किए हैं, हम चाहते हैं बहुत सारे ऐसे दलित समाज के लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, अलग अलग स्कीम्स के जरिए उन्होंने भी लोन लिए हैं, उनके लोन भी माफ़ किए जाए। साथ ही साथ जो मौलाना आज़ाद के ज़रिए जो छोटे मोटे लोन सरकार देती है वो भी माफ़ किए जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर दलित मुस्लिम अगर आगे बढ़ेगा तभी जाकर ये मुल्क बढ़ेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम 24 तारीख के अधिवेशन के अंदर यही मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। थैंक यू। Thank you.